राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की कार्रवाई में शराब का जखीरा जब्त कर इसमें विभाग की ओर से कुल 28,66,450 रुपए की शराब नष्ट की गई। चंद्रपुर जिले में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब तस्कर छुपे मार्ग से जिले में शराब तस्करी कर रहे हैं। शराब तस्करी रोकने के लिए जिले में पुलिस प्रशासन एवं राज्य उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा व्यापक बंदोबस्त किया जा रहा है। महामार्गों पर चेक नाके का निर्माण कर वाहनों की तलाशी लेकर बड़े पैमाने पर अवैध शराब जब्त की जा रही है। इस कार्रवाई के तहत मूल राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने पिछले कुछ दिनों में चलाए गए अभियान में पकड़ी गई देसी विदेशी शराब नष्ट की है। इस कार्रवाई में राज्य उत्पादन विभाग ने देसी शराब की कुल 19,083 बोतलें तथा विदेशी और खुदरा समेत कुल 4,734 शराब की बोतलें जब्त की। इसमें विभाग की ओर से कुल 28,66,450 रुपए की शराब नष्ट की गई। बल्लारपुर तहसील के बामनी दहली मार्ग पर मूल राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के दुयम निरीक्षक और बल्लारपुर थाने के थानेदार एसएस भगत की उपस्थिति में लाखों रुपए की इस अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया गया। इस समय उत्पादन शुल्क विभाग के अन्य अधिकारी तथा बल्लारपुर थाने के पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे। इस संबंध जानकारी बल्लारशाह पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक एसएस भगत ने दी। नोवेम्बर रोजी पुलिस स्टेशन ला 77 दारू चार गुन्ह्यातील मुद्देमाल अंदाजे किंमत 28,66,000 रुपयाचा मुद्देमाल विद्यमान कोर्टाच्या आदेशानुसार व दारू उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या समक्ष पंचासमक्ष आम्ही नाश केलेला आहे।